सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे एक बच्चे के लिए उसके माता पिता इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही आपके लिए क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श, आप देख रहे हैं आदर्श ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था हमारी मैथ्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम इंटीजर्स, और इस लेसन का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 8 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले थोड़ा हम बेसिक देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9, 10th, 11, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स मूव। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 8 शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिस कर लेते हैं, कुछ उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पहले बेसिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ आपको आई बटन के ऊपर शो कर रहा है, आप उसे क्लिक करके वॉच कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ बेसिक भी आपको चार स्टेप याद रखना है। पहला है प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, सेकेंड है माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, थर्ड है प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, एंड फोर्थ है माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ओके, तो चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 8 के ऊपर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, -9 -3। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए -9 को मैं एज इट इज़ नीचे लिख दूंगा। यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, या माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 3। ओके, देन माइनस प्लस क्या होता है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 9 में से 3 आपको रिमूव करेंगे तो 6 आएगा। ओके, पर अभी आपको कुछ इसमें और लिखना है, जो आप लास्ट स्टेप लिखें उस ऊपर वाले स्टेप में आप देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये दोनों में से अगर आप देखें तो आपका 9 बड़ा है, 9 के आगे कौन सी साइन लगी है, तो 9 के आगे माइनस की साइन लगी है। तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे जो साइन रहेगी, तो फाइनल आंसर में हम उसकी साइन लगा देंगे। तो यहाँ माइनस था 9 के पहले, तो यहाँ हम माइनस लगा दी। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, -6 -4। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों चलिए देखते हैं। पहले हम -6 को एज इट इज़ लिख देंगे, इस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो यहाँ +4 इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस क्या होता है, देखिए माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 6 में से आप 4 को रिमूव करेंगे तो आएगा 2। दोनों में से बड़ा क्या है, तो दोनों में से बड़ा है आपका 6। 6 के पहले कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस करके मैं से एक फाइनल बॉक्स बना दूंगा। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपने ऑलरेडी वो वीडियो जो मैंने आपको रिकमेंड किया था आपने वॉच किया था, आपका बेसिक एकदम मजबूत हो गया है। तो चलिए डायरेक्टली बढ़ते प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हाजिर है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, आपके बुक टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह का एक टेबल ड्रॉ करके दिया, आपको इसे फिल करना है। तो एक क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट द नंबर इन द टॉप रो, एक टॉप रो है इसमें से इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द नंबर इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द प्रॉपर नंबर इन ईच एम्प्टी बॉक्स। तो आपको इसे सॉल्व करना है, जो राइट आंसर रहेगा वो आपको एम्प्टी बॉक्स से फिल करना है। तो देर की इस बात की, चलिए फटाफट से फिल कर देते हैं, आप तो इसमें अब मास्टर हो गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ है 3 एंड यहाँ है -6। तो 3 - 6 आपका क्या होता है, 6 में से आप 3 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आता है 3, एंड दोनों में से बड़ा है आपका 6, 6 के पहले ऑलरेडी करके दिया है। तो चलिए सेकंड बॉक्स को फिल करना है। तो सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ मैं फर्स्ट का सेकंड डाल देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड मतलब ये फर्स्ट का सेकंड। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको लेना है 3 - 9। ओके, अब 3 - 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। यहाँ कुछ भी नहीं होता, प्लस प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो 9 में से आप 3 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। ओके, दोनों में से बड़ा नंबर है आपका 9, तो 9 है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव की साइन मैं लगा दूंगा, तो ये -6 जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए -4 के नीचे क्या फिल करना है वो देखते हैं, यहाँ 1 के नीचे 3,
मतलब ये वन था, ये टू था, ये थ्री है। ओके, थ्री में मैं लिखूंगा अब थ्री माइनस माइनस फोर, माइनस फोर को मैं गाइस ब्रैकेट में कर दूंगा। ओके, सो ये हो गया थ्री। माइनस माइनस क्या होता है, देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो थ्री प्लस फोर, एंड इसे प्लस करेंगे तो ये होगा सेवन। दोनों में से बड़ा नंबर है हमारा फोर, फोर के पहले है हमारा प्लस, तो हम कोई भी नंबर के सामने प्लस की साइन लगाएं ना लगाएं वो प्लस ही माना जाता है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली सेवन लिख देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब माइनस फाइव वाले को देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर, थ्री थ्री माइनस एंड देन ये माइनस फाइव। ओके, सो ध्यान से एकदम देखिएगा, थ्री माइनस माइनस आपका क्या होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, नहीं फाइव का फाइव। फाइव को थ्री को प्लस करेंगे तो आपका आएगा आंसर एट। दोनों में से बड़ा है फाइव, फाइव के पहले हमारा है पॉजिटिव का साइन, तो यहाँ हम पॉजिटिव मत लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो वो पॉजिटिव में ही आता है। तो यहाँ मैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा बॉक्स है, तो मैं ये सोल्यूशन के साथ यहाँ लिख देता हूँ। ओके, ये सोल्यूशन एंड देन आंसर ये लिख देता हूँ, थ्री माइनस माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एट, कुछ इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ बॉक्स आपको काफ़ी बड़ा दिया है। अगर नीचे आप देखें तो सॉल्व करके आपको बताया है। तो चलिए अब जीरो वाले कॉलम को देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फ्रेंड्स मैं यहाँ लिखूंगा थ्री माइनस जीरो, क्या लिखूंगा थ्री माइनस जीरो, एंड इसको सॉल्व करूंगा तो कोई भी नंबर से अगर हम जीरो को माइनस करेंगे तो सेम आंसर आता है, तो इसका आंसर आएगा थ्री। तो मैं यहाँ बॉक्स में फिल कर दूंगा थ्री। ओके, देन हम माइनस सेवन को फिल करते हैं, तो यहाँ थ्री माइनस प्लस सेवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्री, यहाँ से थ्री, ये माइनस देन ये प्लस सेवन, थ्री माइनस देन प्लस सेवन। ओके, सो फिर अब हम क्या करेंगे, ये थ्री को एज इट इज़ प्लस माइनस हमारा क्या होता है, देखिए प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो यहाँ थ्री माइनस सेवन, और थ्री में से सेवन में से थ्री को रिमूव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फोर, एंड बड़ा है सेवन, सेवन के पहले हमारा माइनस, तो मैं माइनस फोर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से प्लस पॉजिटिव सेवन के नीचे यहाँ माइनस फोर फिल कर देना है। चलिए अब माइनस एट वाला कॉलम देखते हैं। सो फ्रेंड्स माइनस एट वाला कॉलम के लिए थ्री माइनस माइनस एट लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ सेवन थ्री माइनस माइनस एट। ओके, कहाँ से आए, तो देखिए कहाँ से आए, थ्री माइनस माइनस एट। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए थ्री माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, एंड देन ये एट का एट। ओके, एट और थ्री को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है इलेवन, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर है क्योंकि यहाँ एट बड़ा है, एट के आगे है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ हमारा आंसर आया इलेवन। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट, थ्री माइनस माइनस थ्री, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर एट कर देता हूँ, थ्री माइनस माइनस थ्री। ओके, इसे सॉल्व कैसे करना है, थ्री एज इट इज़ माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस प्लस, एंड थ्री, एंड थ्री थ्री प्लस करेंगे तो आएगा सिक्स। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली सिक्स। तो चलिए अब सेकेंड रो को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, तो आप देखते हैं सेकेंड रो को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड का फर्स्ट। ओके, तो सेकेंड है हमारा एट माइनस सिक्स, एट माइनस सिक्स, एंड एट माइनस सिक्स हमारा क्या होता है, टू आता है, एट माइनस सिक्स हमारा टू आता है, एंड एट इस दोनों में से बड़ा नंबर है हमारा एट, एट के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव की साइन है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू, आंसर आया मेरा टू। ओके, चलो इस बॉक्स को फिल करते हैं, तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एट माइनस नाइन, सेकेंड है हमारा एट माइनस नाइन। तो अब इसे कैसे करें, तो चलिए देखते हैं, हम नाइन में से एट को रिमूव करेंगे तो आंसर आएगा हमारा वन, एंड बड़ा नंबर है नाइन, नाइन के पहले है हमारा माइनस, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ, हमारा आंसर आया माइनस वन। ओके, तो चलिए माइनस फोर के नीचे क्या लिखना है देखते हैं। तो इसे मेन जो क्वेश्चन रहता है वो लिखेंगे एट माइनस माइनस फोर, इसे सॉल्व करने के लिए गाइस आपको क्वेश्चन खुद से बनाना है, तो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके, यहाँ एट माइनस माइनस फोर, एट माइनस माइनस फोर,
तो 8 का 8 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस आपका क्या होता है देखें यहाँ पे, माइनस माइनस आपको प्लस होता है। ये चार स्टेप है ना, ये आपको एकदम रट लेना है भाई, रट लेना है। अगर ये नहीं आएगा तो आप ये सब ना नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ माइनस माइनस आपका होता है प्लस, एंड 8 प्लस 4 आपका होता है 12। तो इसे फाइनल बॉक्स कर देंगे, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव में है तो ये नंबर भी पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे 12। उसके बाद वाला ऑलरेडी सॉल्व है, तो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। 8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 प्लस 5 आपका 13 होता है। तो इसी तरह से सॉल्व है। चलिए अब जीरो के नीचे क्या करना है आपको बताता हूँ। तो जीरो का सॉल्व करने के लिए आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। तो यहाँ है 8 माइनस 0, ओके, यहाँ है फिफ्थ लेता हूँ क्योंकि फोर्थ आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। 8 माइनस 0, तो 8 माइनस कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से माइनस करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो हाँ आंसर 8 ही आने वाला है आपका। ओके, तो यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ। चलिए अब पॉजिटिव 7 के नीचे क्या लिखेंगे चलिए उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, 8 माइनस प्लस 7, सिक्स है हमारा 8 माइनस प्लस 7। ओके, तो यहाँ देखिए 8 का 8 एज इट इज़, माइनस प्लस क्या होता है देखिए, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 7। अब 8 में से आप 7 निकालेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। दोनों में से बड़ा है आपका 8, तो 8 के पहले पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव ही रहने देते, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। चलिए माइनस 8 वाला सॉल्व करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए माइनस 8 वाला देखते हैं। माइनस 8 वाला सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 7th क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ, 8 माइनस 8 माइनस माइनस 8। ओके, एंड इसे 8 है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, एंड 8 का 8, 8 8 प्लस करेंगे तो होएगा 16। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसे 16। ओके, देन माइनस 3 के कॉलम को कैसे फिल करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो गया हमारा 8। ओके, 8 माइनस माइनस 3 कैसे बना, 8 माइनस माइनस 3, 8 माइनस माइनस 3। तो कैसे सॉल्व करना है, 8 माइनस माइनस आपका होता है प्लस, 3 का 3, 8 और 3 होता है आपका 12, ये सॉरी 11 होता है। ओके, 11, तो यहाँ दोनों आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ मैं पॉजिटिव ही रहने दूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा तो भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स कट जाएगा भाई, मेरे को जीरो आ जाएगा, तो आप यहाँ पॉजिटिव रख सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपको जो देखो सॉल्व करके दिया उसमें भी उसे पॉजिटिव डालना चाहिए था, पर उसे नहीं डाला, तो आप क्यों डाल रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हो। ओके, तो चलिए दो, इसमें टोटल 4 कॉलम्स थे हमारे, 2 हो गए हैं, 2 बाकी है, उसे भी फटाफट से फिल करते हैं। तो चलिए यहाँ मैं थर्ड का फर्स्ट कराता हूँ। तो यहाँ देखिए पहले माइनस 3 माइनस 6, क्वेश्चन आपको खुद से फ्रेम करना है गाइस, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, 3 माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6। ओके, माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो दोनों को डायरेक्टली प्लस करना है हमें, तो 6 और 3 होता है आपका 9, दोनों में से बड़ा नंबर है आपका 6, 6 के पहले माइनस की साइन है तो यहाँ आपको माइनस कर देना है। आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आपको रफ पेपर में सॉल्व करके इसको सिर्फ फिल करना है। ओके, सो यहाँ जब हम आंसर लिखेंगे तो जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन में आपको ये दो नंबर जो आपने क्वेश्चन बनाया उसे लिखा है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख के तब आंसर लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 6, ये हमने क्वेश्चन बनाया तो इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया माइनस 9। ओके, तो चलिए 9 वाला कॉलम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल देता हूँ। क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 माइनस 9। ओके, माइनस माइनस आपका होता है प्लस, 9 10 11 12, दोनों में से बड़ा नंबर है आपका 9, 9 के पहले है माइनस, मैं आप पुट कर देता हूँ माइनस, आपका आंसर आ गया माइनस 12। ओके, तो चलिए माइनस 4 वाला कॉलम देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, माइनस 3 माइनस माइनस 4, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 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 4। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो माइनस 3 माइनस 4 कर देते हैं, ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। ओके, माइनस 3 तो माइनस 3, माइनस तो माइनस, माइनस 4 तो माइनस 4। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 3 माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 4 का 4, और प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ मैंने आपको भी बताया था क्या है, माइनस प्लस या प्लस माइनस दोनों एक ही बात हो गई, तो माइनस प्लस आपका माइनस होता है।
तो यहाँ मैं माइनस करूँगा तो 4 में से 3 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। दोनों में से बड़ा है आपका 4, 4 के आगे है पॉजिटिव, तो यहाँ सेम 1 रहने दूंगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। ओके, देना माइनस 5 वाला कॉलम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हमारा माइनस 3 माइनस माइनस 5, क्वेश्चन है आपका माइनस 3 माइनस माइनस 5। ओके, तो सॉल्व करते हैं, माइनस 3 को मैं एज इट इज लिख दूंगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 माइनस प्लस होता है आपका माइनस, तो 5 में से 2 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। 5 बड़ा है, 5 के आगे पॉजिटिव है, तो मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखने के लिए आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, ये स्टेप जो दिख रही है ये स्टेप, देन आपको आंसर लिखना है। ओके, तो ये स्टेप है आपका माइनस 3 माइनस माइनस 5 एंड आपका आंसर आ गया 2। ओके, तो चलिए अब ये वाला कॉलम फिल करते हैं, 0 वाला कॉलम, यहाँ है माइनस 3 माइनस एंड यहाँ पे 0। ओके, माइनस 3 माइनस 0, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 माइनस 0, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, कोई भी नंबर को आप माइनस करो या प्लस करो 0 से तो आपका नंबर वो सेम रहता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3, बड़ा है मेरा 3 एंड 3 के पहले है माइनस, तो यहाँ मैं माइनस 3 लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा आंसर में माइनस 3। ओके, तो चलिए पॉजिटिव 7 प्लस 7 वाला सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनेगा माइनस 3 माइनस प्लस 7, क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आपका क्वेश्चन बनेगा माइनस 3 माइनस प्लस 7। अब आंसर निकालते हैं, माइनस 3 को मैं एज इट इज लिखूंगा सेम टू सेम, प्लस माइनस आपका होता है माइनस, 7 का 7 माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 7 8 9 10 दोनों में से बड़ा है आपका 7, 7 के पहले है माइनस की साइन, तो यहाँ मैं माइनस पुट कर देता हूँ, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ आपको पुट कर देना है माइनस 10। ओके, तो अब माइनस 8 वाला कॉलम देखते हैं। तो माइनस 8 वाला कॉलम को सॉल्व करने के लिए आपको जो क्वेश्चन फ्रेम करना है कैसे करना है, देखिए माइनस 3 माइनस माइनस 8, यहाँ आपका 7 नंबर है माइनस 3 माइनस माइनस 8, देखिए माइनस 3 यानी माइनस यानी माइनस 8। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस 3 एज इट इज़ माइनस माइनस होता है आपका प्लस 8, प्लस माइनस आपका होता है माइनस, 8 माइनस 3 होता है आपका 5 एंड 5 8 के दोनों में से आपका बड़ा है 8, 8 के पहले पॉजिटिव, तो यहाँ मैं पॉजिटिव लिखूँगा तो भी चलेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5। ओके, देन लास्ट है हमारा माइनस 3। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले 8 लिख देता हूँ, माइनस 3 माइनस माइनस 3, इसका क्वेश्चन जो बनेगा देखिए कितना मज़ेदार है, माइनस 3 माइनस माइनस 3। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस 3 एज इट इज़ माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 3 का 3। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया 0 एंड ये होगा आपका फाइनल आंसर, तो यहाँ रहेगा 0। तो तीन कॉलम हमने सॉल्व कर लिए, एक लास्ट कॉलम बचा है, बड़े ही मज़ेदार तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसमें जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो में आप स्पीड थोड़ा स्लो या फास्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ मैं करा रहा हूँ अभी फोर्थ में आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, इस बॉक्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना है, मैं कैसे करूँगा बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ। अभी तक मैंने आपको तीन क्वेश्चन, तीन जो लाइन है उसको फिल करके बताया, अब आप मुझे बताइए। तो यहाँ मैं कैसे करूँगा, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 6 प्लस 2 8 एंड दोनों में से बड़ा है आपका 6, 6 के पहले है माइनस, तो यहाँ मैं माइनस पुट कर दूंगा, तो आपका आंसर क्या आया, माइनस 8 आया। तो यहाँ लिखते समय आप क्या लिखेंगे, माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 8। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, नहीं समझेगा तो वीडियो रिमाइंड करके देखिए, सारी चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक एक वर्ड को एक नंबर को मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, 9 वाला कॉलम सॉल्व करते हैं। 9 वाला कॉलम सॉल्व करने के लिए यहाँ 4 का 1 था गाइस। ओके, 4 का 1, ये है 4 का सेकंड, तो 4 का सेकंड है हमारा 9 वाला, माइनस 2 माइनस 9। ओके, माइनस 2 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 2 11। ओके, बड़ा नंबर है हमारा 9, 9 के पहले है माइनस, तो यहाँ मैं
माइनस पुट कर दूंगा। तो यहाँ डायरेक्ट माइनस 11 में यहाँ फिल कर देता हूँ। ओके, तो चलिए माइनस 4 वाला कॉलम, ये वाला कॉलम भी फिल करते हैं। तो इसके लिए आपको जो क्वेश्चन फ्रेम करना है वो कैसे करना है, या माइनस टू माइनस एंड माइनस 4, माइनस टू माइनस माइनस 4। ओके, तो माइनस 2 एज इट इज़, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 4 का 4, प्लस माइनस होता है आपका माइनस। यहाँ देखिए प्लस माइनस होता है आपका माइनस, इसीलिए आपको कहा था ये आप एकदम अच्छे से रट लीजिए और इसके जो वीडियो आपको रिकमेंड किया था वॉच कर लीजिए, आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ प्लस माइनस होता है आपका माइनस, 4 माइनस 2 आपका होता है 2, बड़ा नंबर है 4, 4 के पहले है प्लस, यहाँ मैं प्लस रखूँगा तो यहाँ मैं पुट कर दिया 2। तो अब अगला है हमारा माइनस 5 वाला कॉलम जो कि क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। तो इसे इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस 2 माइनस माइनस 5, माइनस 2 माइनस सॉरी माइनस 2 माइनस माइनस 5। ओके, माइनस 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है एंड 5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 माइनस 2 3, दोनों में से बड़ा है आपका 5, 5 के पहले क्या है प्लस, तो यहाँ मैं प्लस कर दूंगा। ओके, प्लस 3, तो यहाँ मैं जो यहाँ लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा पता है आपको, पहले ही फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया उसे देन आपको आंसर। तो क्वेश्चन था हमारा माइनस 2 माइनस माइनस 5, माइनस 2 कैसे बना क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए माइनस 2, ये माइनस एंड ये माइनस 5। आंसर क्या आया हमारा, देखिए आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा 3, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जीरो वाला कॉलम सॉल्व करना है हमें। तो जीरो वाले कॉलम को सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन जो बनेगा रहेगा माइनस 2 माइनस 0, माइनस 2 माइनस 0। ओके, सो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है आपका प्लस। ओके, तो 0 2 को 0 से प्लस करेंगे तो आपका 2 ही आने वाला है, तो 2 के दोनों में से बड़ा है 2, 2 के पहले है माइनस, यहाँ में माइनस 2 हमारा आंसर होगा। आपको आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 0 2 ही होता है, बड़ा है 2, 2 के पहले है माइनस, यहाँ मैं माइनस 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा माइनस 2। ओके, तो देखिए आप प्लस 7 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्लस 7 वाला था। तो प्लस 7 वाला सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन जो बनाना है कैसे बनाएंगे, माइनस 2 माइनस प्लस 7, ये 6 है, माइनस 2 माइनस प्लस 7, तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 7 का 7, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 7 प्लस 2 9 एंड बड़ा है आपका 7, 7 के पहले माइनस तो माइनस। ओके, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ माइनस 9 एंड अगला है हमारा माइनस 8। तो माइनस 8 को सॉल्व करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो रहने वाला है माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 8। ओके, माइनस 2 माइनस माइनस 8, तो यहाँ लिखूँगा माइनस 2 माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 8 का 8। ओके, प्लस माइनस आपका होता है माइनस, 8 में से 2 निकालेंगे तो होता है 6, बड़ा है आपका 8, 8 के पहले है प्लस, तो यहाँ मैं प्लस रखूँगा। ओके, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 6। तो लास्ट इस लेसन का, इस लेक्चर का लास्ट सम होने वाला है हमारा माइनस 3 वाला कॉलम। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस 2 माइनस माइनस 3 कैसे बनेगा, देखिए 8 क्वेश्चन माइनस 2, देखिए माइनस 2 यहाँ से लिया मैंने, माइनस एंड माइनस 3, तो यहाँ माइनस 2 माइनस माइनस 3। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए माइनस 2 को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 का 3। ओके, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और 3 माइनस 2 तो आपका आंसर आता है 1, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, दोनों में से बड़ा है आपका 3, 3 के पहले प्लस, तो यहाँ प्लस, तो ये हो गया आपका 1। तो आई होप आपको सारी चीज़ें वेल डन क्लियर हो गई होगी। ये रहा आपका फाइनल जो आपको फिल करना है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस जो मैंने अभी आपको लिख के बताया, अगर आपको इसका काम है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, या फिर अगर आपको इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आपको नीचे वीडियो को टाइटल को आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन होएगा, वहीं पे आपको नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक करके अपनी प्रेजेंटी लगा दीजिएगा,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ऐसे कमाल कमाल के वीडियोस के लिए। और अगले लेसन भी तो आपको सीखना है, तो अब कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।